ਵੇਖ ਕੇ ਭਜਣੇ ਆ ਜਵਾਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਲੇ ਬਾਈ ਬੱਲੇ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो उसे भी लाइक कर दे। आज हम जी आपसे सबसे पहले जी सुबह की रूटीन शेयर करते हैं। मैंने कहा जी चलो जी मोबाइल का कैमरा ओपन करते हैं और छोटा सा व्लॉग बनाकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। अब चलते हैं जी डेरे की तरफ। और चाचू जान का आज प्रोग्राम था कि जी पनीरी काश्त करने का, चावल की पनीरी काश्त करनी है जी हमने। आइए जी चलते हैं आप जी और आपको कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं कि चावल की पनीरी कैसे काश्त की जाती है पंजाब में। अब्दुल्ला जी हेल्प पर आ गया जनाब। कमांडा मुरा माशाल्लाह जी काम चंगा करता है। जी दोस्तों बनी मजबूत कर दी थी क्योंकि जब मजबूत करने का फायदा क्या है कि पानी जिन्ना मर्जी जनाब खत्ती बिच आ जाए तो बनी टुट नहीं सकती। ठीक है। ए सैड तो जी अब्दुल्ला सुहागे का बंदोबस्त करता है क्योंकि गंदाल जिस दिन करना ना खत्ती दे बिच जनाब बाला सानू कम दे दा बड़ा। चल हा जवाना ए जी दोवे जवान लग पे ने हुण सुहागा ना लैन दा। ए जी जवान लगे ने जी खेत की तैयारी करन क्योंकि खेत ने रेडी होना तो पनीरी काश्त की जानी है। चल वे चल वे छीने वेख के भजने जवाना वेख के बल्ले भाई बल्ले चल खिंच दूं Thank you।
थक तो नहीं गए हैं। चल वे जमाना जमाना भी कम मुका लिया है जी। सुपर कनल का बीज है सही है, खेत जी साढ़े बिल्कुल रेडी है, असी हूँ उस बिखारा तो इनू असी जी तकरीबन दो त्रै दिन पहला पानी भगो दिता सी, तो माशाल्लाह अच्छी जर्मिनेशन दी हो गई है, पुंगर तो चंगा आया। हूँ जी चाची जी बीन लाने दे, खेत साढ़ा बिल्कुल रेडी है, अच्छा चाचा जी दा बीन खाने का तरीका कर की जी दा तरीका कर रहा थां ते छट्टा मारी दा जिस तरह ना अच्छा बीज बीजी दा अच्छा आ तो जे ज्यादा उंगली होवे फिर इस तरीके ना हौली हौली ओ ना खलार के दाना छट्टी दे सही ते जे बिना ज्यादा बीजनी हुंदी ओ फिर टाइम नाल ही ओनु ना अपना अच्छा ले मेनू छट्टा थोड़ा उंगलियां दा छट्टा मार लेगा सही। बस बत्ती का बीज खिला रहे हैं ताकि हमेशा वास्ते मेहमानों के वास्ते अच्छे चावल हैं अच्छा ताकि मेहमान खुश हो जाए अच्छे चीज़ा लोगों देिए अच्छा नाम पैदा होता है सही। बेहतरीन जड़ी है अच्छा वो पत्रां दे विच होंदी सही है अलग क्वालिटी दा बीज दा मतलब है क्वालिटी बीज रहे हां साडे खास साडे को मेहमान हो उतर अच्छा दी सेवा करिए सही खुश हो गए।